उज्जैन की 7 वर्षीय होनहार श्रद्धा श्री चौधरी अपने कद से बड़ी लाठी और तलवार को इस तरह से घुमाती हैं कि देखने वाले हैरान रह जाते हैं। लाठी के बल पर श्रद्धा श्री अपनी उम्र से ज्यादा मेडल जीत चुकी हैं। घर के अंदर और बाहर फील्ड में जिस गति से वो लाठी को घुमाती हैं, उस गति से कई बड़े खिलाड़ी भी नहीं घुमा पाते। शहर के प्रगति नगर में रहने वाले राहुल और सोनाली चौधरी की 7 साल की बेटी श्रद्धा श्री पहली कक्षा में पढ़ रही है। कोरोना काल में 15 दिन के लाठी चलाने के शिविर में हिस्सा लिया, जिसके बाद उसने पीछे पलट कर नहीं देखा। अब वो लाठी चलाने के साथ तलवार भी चलाती है। श्रद्धा श्री जिस तेज गति से तलवार और लाठी को घुमाती है, उसे देखने वालों को हैरान कर देती है। बीते 2 वर्षों में उसने प्रैक्टिस कर फेडरेशन की पहली प्रतियोगिता में गोल्ड जीता और इसके बाद स्टेट में भी गोल्ड और ग्वालियर में आयोजित हुई नेशनल प्रतियोगिता में भी 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीतकर अपने नाम का सबसे छोटे विजेता प्रतियोगी में दर्ज करा लिया है। श्रद्धा सिंह की मां सोनाली ने बताया कि 5 साल की उम्र में कोरोना काल में घर पर रहने वाली श्रद्धा सिंह की मां सोनाली ने बताया कि 5 साल की उम्र में कोरोना काल में घर पर रहने के दौरान रजनी नरवरिया की क्लास में जाने का मौका मिला, जिसके बाद उसने 1-2 बार लाठी चलाई, जिसके बाद से वो आगे ही बढ़ती चली गई। आज वो प्रदेश में सबसे कम उम्र की लाठी और तलवार चलाने वाली प्रतियोगी है। श्रद्धा सिंह घर में दिन और शाम को रोजाना प्रैक्टिस करती है। फिलहाल गुनगुन उज्जैन में कई स्टेट प्रोग्राम व ग्वालियर में 1 फेडरेशन में हिस्सा ले चुकी है। अब गुनगुन का ऑनलाइन सिलेक्शन मुंबई में होने वाले दंड प्रतियोगी के लिए हुआ है, जिसके अभ्यास में वो जुटी हैं। वहीं गुनगुन कहती है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर इस मुकाम को हासिल कर उज्जैन का नाम विश्व में भी रोशन करेंगी।